मोदी आज लॉन्च करेंगे यूरोपी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे लॉन्च करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई, सिविल हॉस्पिटल में लगवाई दूसरी डोज। यूपी में भी 16 अगस्त से खोले जाएंगे स्कूल, अभी 50% छात्रियां। आईसीएमआर के स्टडी में दावा, डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी कारगर है कोवैक्सीन। बीजेपी कार्यालय पहुंचे सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार, नई भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवा पहुंचे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सीएम योगी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है। ट्वीट कर उन्होंने लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सीएम योगी ने ट्विटर पर दूसरी डोज लेने की जानकारी देते हुए लिखा है कि स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेकर मन प्रफुल्लित है। उन्होंने लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए लिखा है कि टीका जीत का जरूर लगवाएं, क्योंकि तभी कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। आपको बता दें कि सीएम योगी ने ट्विटर पर दूसरी डोज लेने की जानकारी देते हुए लिखा है कि स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेकर मन प्रफुल्लित है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए लिखा है कि टीका जीत का जरूर लगवाए, क्योंकि तभी कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। वहीं लखनऊ में मौलाना कल्बे जवाद साहब के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। मुहर्रम की गाइडलाइन को लेकर पुलिस प्रशासन के अभद्र भाषा वाले सर्कुलर का विरोध करते हुए प्रेस वार्ता की गई है। मुहर्रम सर्कुलर की भाषा के विरोध में शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद ने डीजीपी के पत्र पर नाराजगी जताई है। वहीं चांदपुर के गुडेश्वर अखंड धाम में सुबह से ही सावन के दूसरे सोमवार में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। दूसरे सोमवार पर मंदिर प्रांगण में संगीत का भी आयोजन किया गया। वहीं कोरोना गाइडलाइंस की जमकर यहां पर धज्जियां उड़ाई गई है। तो सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। आपको बता दें कि चांदपुर के गुडेश्वर अखंड धाम में सुबह से ही सावन के दूसरे सोमवार में भक्तों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली है और इस दौरान मंदिर प्रांगण में संगीत का भी आयोजन किया गया है। वहीं आजमगढ़ में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर मंदिरों में सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। भक्तों का मंदिरों में जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार मंदिर में भक्त पूजा करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। मंदिर के बारे में जहाँ तक जाना जाता है कि यहाँ भगवान शिव जो है स्वयंभू या यहाँ पर टीला था, और टीले में जो है धीरे धीरे जब भी टीला समाप्त हुआ है, यहाँ जो है शिव जी का जो है आविर्भाव हुआ। लोगों ने जाना कि यहाँ शिवलिंग है, और किसी भी पौराणिक स्थल के बारे में अनेकानेक कहानियाँ होती हैं। एक कथा यह भी यहाँ है कि यहाँ पर एक टीला था, झाड़ियाँ थी, यहाँ गाँव के लोग जो है पशु चराने के लिए। तो खबर आजमगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर सावन के दूसरे सोमवार में भक्तों की भीड़ मंदिरों में दिखाई पड़ी है। आपको बता दें कि यहां पर भक्त मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए आए हैं। वहीं भक्तों का मंदिरों में जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार मंदिर में भक्त पूजा करने के लिए लगातार आ रहे हैं। आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने सगड़ी तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। वहीं इस दौरान घाघरा काटान का भी निरीक्षण किया गया है।
निरीक्षण के दौरान गांगेपुर आबादी रिंग बांध बचाने के लिए तेजी से कार्य का निर्देश दिया गया और इस दौरान अधिशासी अभियंता ने अपाचे रिंग बांध के बचाव का भी आश्वासन दिया है। देखिए धाराएं तेज होती जा रही है यहाँ पर नदी की हैं, जो पुराने बांध मिट्टी की बने हुए थे वो धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। तो हमारे अधिकारियों से बात हुई तो ये हुआ कि थोड़ा वाटर लेवल कम होगा, तो इस बार जो बजट आया हुआ है कि प्रोजेक्ट के हिसाब से इस बार सॉलिड बांधे बनाए जाएंगे और 3 बांधे हैं जिसको पानी की धाराओं को रोकेगा, जिससे ये जो मेन बंधा है इसकी सुरक्षा होगी उससे। तो आजमगढ़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान घाघरा कटान का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान गांगेपुर आबादी रिंग बांध बचाने के लिए तेजी से कार्य का निर्देश भी यहां पर दिया गया है और इस दौरान अधिशासी अभियंता ने अपाचे रिंग बांध के बचाव का आश्वासन भी लोगों को दिया है। वहीं आजमगढ़ में सड़कों की स्थिति बदहाल है, आए दिन कई सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खराब टूटी सड़कें आजमगढ़ की पहचान बन गई हैं। वहीं अधिकारी हर बार की तरह सड़कों की मरम्मत करवाने का आश्वासन देते हैं, राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मैं खुद उस क्षेत्र से निकला था सवेरे सफाई व्यवस्था को देखते हुए दोपहर में, तो मैंने खुद देखा था। तो वो जो रोड, चूँकि लोक निर्माण विभाग की रोड है, तो लोक निर्माण विभाग के जे से मैंने बात की, वो हमारे यहाँ संबद्ध भी हैं, तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे रोड में जो गड्ढे थे, तो उन गड्ढों को भरने के लिए जो है वो जो ईंटा के टुकड़े जो इस्तेमाल किए गए, लेकिन उनको अभी क्रश नहीं किया गया। क्रश करने के लिए मैंने उनसे बोल दिया है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें ऑलरेडी मेरे पास आ गई और उसके लिए मैंने उनसे जो है कोऑर्डिनेट करके वहाँ के जेई साहब से मैंने ये बात बोल दी है। तो उन्होंने ये बोला कि वो अभी इसको करा देंगे, उसको जो है सही तरीके से रोड पे जो है चालू हालत में जाके आने जाने। वहीं मुरादाबाद में एक भी कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज ना होने पर जनपद मुरादाबाद को कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों की जिम्मेदारी है वो लापरवाही ना बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें, बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट वाला ट्रिपल टी का फॉर्मूला अपनाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट कंपाउंड परिसर में एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई थी। जनपद मुरादाबाद में 21 मार्च 2020 को पहला केस हमारे पास आया था, उसके बाद से लेकर कई सारे केसेस लगातार आते रहे और जैसा कि आप अवगत हैं कि दूसरी लहर में एक बड़ी संख्या में यहां पर सकारात्मक केस, सक्रिय केसों की बड़ी संख्या रही। कुल मिलाकर जनपद में इस प्रकार 39,089 केस अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन 21 मार्च 2020 से लेकर आज 31 जुलाई 2021 तक ऐसा कभी भी समय नहीं आया ऐसा कि जब कोई जनपद में कोई भी सक्रिय केस ना रहा हो। आज पहला दिन एक ऐसा है जिसमें आज जनपद में कोई भी सक्रिय केस मौजूद नहीं है और एक लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति हमारे लिए उत्पन्न हुई है। तो आज के इस अवसर पर मैं यहाँ के हमारी जो डॉक्टर्स की पूरी जो टीम है, हमारे रेवेन्यू के स्टाफ हैं, हमारे जो समाज सेवी हैं, हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं और समाज के तमाम एनजीओ जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें योगदान दिया है, मुरादाबाद के निवासियों ने, यहाँ के नागरिकों ने जिस तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया है, ये उसी का परिणाम है कि आज हम इस स्थिति में पहुँचे। वहीं कानपुर में बुजुर्ग माता पिता को बेटे बहू ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने भी मदद नहीं की। वहीं कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को ये बात पता चली, जिसके बाद दोनों को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए घर के बाहर पुलिस की ड्यूटी भी अब लगा दी गई है। तो कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने घर पहुंचे और वहां पर त्वरित कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर का है, जहां पर बुजुर्ग माता पिता को बेटे और बहू ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और इसके बाद स्थानीय लोगों ने भी कोई मदद नहीं की है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को ये बात जब पता चली, इसके बाद दोनों को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। वहीं सुरक्षा के लिए घर के बाहर पुलिस की ड्यूटी भी लगा दी गई है।
अंजालौन के कोच कस्बा के मोहल्ला गोखले नगर में बारिश की वजह से घर गिर गया। वहीं घर गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। परिजनों ने बताया है कि घर के कुछ अन्य लोग भी इसी मकान में सो रहे थे। उन्हें मकान गिरने का थोड़ा भी आभास हुआ और इसी के बाद वो घर के बाहर निकल गए। वहीं हादसे में कई चीजें बर्बाद हो गई। हमारे भाई साहब उनका नाम गिरा था, लकड़ी बहुत लेटी थी, बहुत सामान गिरा ऊपर जी, लकड़ियाँ वगैरह मट्टी वगैरह लेंटर गिर गया। तो उन्हें बहुत चोट भी आई मुँह में, हम लोगों ने हाथ दबे तो निकाल उनको फिर। अच्छा, यहाँ वही लेटे थे? हाँ, वो हम भी लोग तो, पर हम लोग एकदम थोड़ी सी मट्टी गिरी तो हम लोग इधर को हट के चले गए, थोड़ी सी ऊपर जो उठ नहीं पाए, सो रहे थे, जगाया नहीं पाया हम लोगों ने। अच्छा, एकदम गिर गया? हाँ, वो एकदम गिर गया बस बरसात का। वही रायबरेली के सरोन कोतवाली क्षेत्र में अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल सीएचसी सरोन में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।